अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट का ये पहला कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है और आज वेब डेवलपमेंट में हम लोग सीखेंगे HTML। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं HTML क्या होता है। HTML जिसका एब्रिवेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब हम इसको ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो HTML होता है, और HTML प्लस CSS ह्यूमन बॉडी का स्किन और ढांचा होता है, मतलब उसका कलर। आइए देखते हैं HTML का डिफिनेशन। HTML का डिफिनेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर वेब पेज। ये वेब का स्ट्रक्चर बनाता है। जो वेब का स्ट्रक्चर होता है जो आपको नजर आता है वो सारा HTML से होता है। आए हम लोग इसको कोड देखते हैं, इसका कोड हम लोग कैसे करते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया है, हम लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। अरे ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। सबसे पहले आपने क्रिएट फाइल बनाना है, एक फाइल बनाना है जिसको नाम जो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। मैं इसको index.html, याद रखें लास्ट में आपने .html ज़रूर देना है। आप इंटर मारो, इंटर के बाद इसका एक इमिट एब्रिवेशन आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क मार के आपने इंटर मारना है। आप पहले इस कोड को स्किप करें और आपने एक लाई सर्वर के नाम से, लाई सर्वर के नाम से आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, लाई सर्वर। मैंने इंस्टॉल किया, आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। इसके बाद कोड पे, और इसके बाद HTML के कुछ टैग्स होते हैं। सबसे पहले हम टैग्स देखते हैं H1 का। H1 का मतलब है हेडिंग नंबर 1। इसलिए बेसिकली हम लोग के पास कितने टैग्स होते हैं, 6 टैग्स होते हैं। H2 होता है, H3 होता है, H4 के बाद हम लोग के पास होता है H5, H6, H1 से लेकर H6 तक होता है। H1 सबसे बड़ा टैग होता है, जैसे हम लिखते हैं HTML। HTML से कंट्रोल S मारते हैं, कंट्रोल S जब हम लोग उसे करते हैं तो डायरेक्ट क्रोम में वो रिफ्रेश होता है। हम लोगों ने कंट्रोल सी करने से पे पेस्ट करना है। आप लोग इसका लाइव देख सकते हैं। H1 सबसे बड़ा टैग होता है, उससे छोटा H2 होता है, H3 होता है, फिर H4, लास्ट में H4 होता है। इसके बाद हम लोग के पास होता है P, तब जैसे हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। HTML का हेडिंग हो गया है और पी इसका पैराग्राफ हो गया है। जैसे हम लोग लोरेम एप्सम, ये लोरेम जब आप देखते हैं तो एक इमिट एब्रिवेशन है। इसका मतलब है कि ये रैंडमली कुछ वीडियो इसको पिक करते हैं, हम लोग कंट्रोल एस मारते हैं तो ये आ गए ना। ये सब हम लोग के पास बहुत से टैग होते हैं, जैसे इस नोट में देखते हैं कि HTML, ये देखो एच टैग हो गया, आई टैग हो गया, इटालिक, सेंटर हो गया, यूएल हो गया, अंडर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, एल आई, ब्रेक, पी, हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेज, एंकर, HRF। आई देखते हैं, एक एक देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बोल्ड देखते हैं, बोल्ड अभी बोल्ड ये बेसिकली ये करता है कि जब कॉन्टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड लिखता है, मतलब इसके वेट बढ़ाता है। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस मारे। आप इसमें देखें कि बी टैग में और बी टैग में क्या फर्क है। बी टैग जो पैराग्राफ है वो इसको मतलब वेट फिक्स रखता है, उसको बोल्ड नहीं करता है, इसमें ये बोल्ड करता है। इसके बाद हम लोग के पास होता है इटालिक, इटालिक टैग, हेलो वर्ल्ड इटालिक, एक नाम ही लिख लिया इन दोनों ने, इन दोनों को हेलो वर्ल्ड इटालिक करता है कि ये इसका इटालिक स्टाइल लिखता है।
डीआर क्या करता है, ब्रेक लगाता है। डीआर चेक जब हम किसी दो मतलब जैसे बी और आई को अलग करते हैं ना दूसरे दो लेन में देखते हैं, तो हम लोग उसको बीआर ब्रेक लगाते हैं। एक एचआर होता है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ। हम लोग इस लिखने के तरीका है कि इसके बाद हम लोग देखते हैं दो रो दो ऑप्शन देखते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होता है एक और अनऑर्डर लिस्ट होता है। आई इस दोनों में क्या फर्क होता है, हम एच आर ऑरिजेंटल लाइन लगाते हैं उसके बाद देखते हैं ऑर्डर लिस्ट और एल मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का नाम हम लोग के पास लिस्ट होता है, लिस्ट का नाम हम लोग इधर देते हैं। ये एक इसका एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो का, शिफ्ट ऑल्ट कर्सर बिलो वाला। एक दो तीन हम लोग इधर चार लिस्ट लगाते हैं, जैसे टी हो गया, कंट्रोल एस मारा, सेव हो गया, मिल्क ब्रेड हो गया और एक फोजिश हो गया। इसमें ये होता है कि आप जो लिस्ट होता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया, अनऑर्डर लिस्ट लिखने का तरीका है कि आपने यू एल लगाना है फिर एंटर मारना है, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट में कितने लिस्ट है आपके पास। एक हम लोग इधर चार लिस्ट बनाते हैं, जैसे हो गया फूल हो गया स्कूल चेयर एंड रूम लिखते हैं, कंट्रोल एस मारा, ये सेव हो गया ना। सेव होने के बाद ये ऑटोमेटिक तो रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने लाइव लाइव एक्सटेंशन हम लोगों ने डाउनलोड किया है जिसका नाम है लाइव सर्वर। आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने चलो देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज। H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टेक्स्ट देखा है, उसके बाद पैराग्राफ देखा है, बी बोल्ड ये टेक्स्ट को बोल्ड लिखता है और बी आर ब्रेक करता है, एच आर ओरिजेंटल लाइन लगाता है, उसके बाद मैंने लिखा है इटालिक ये टेक्स्ट को इटालिक में लिखता है, ऑर्डर लिस्ट और एंड अनऑर्डर लिस्ट देखा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। CS Guide YouTube channel.